मुजफ्फरनगर के जानसर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जानसर कस्बे में बुधवार को निरीक्षण भवन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को गौरवान्वित करने वाले 42वें स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के उपरांत पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना ने किया और बैठक का संचालन LDB चेयरमैन ब्रजेश रस्तोगी ने किया। इस उपलक्ष्य में जानसर मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पार्टी को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए तथा भारत माता की जय और वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और PM व CM के जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र बड़ाना ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीतियों से अवगत कराते हुए पार्टी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया और बताया कि 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी और विश्वसनीय पार्टी ने लोक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं में सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के दर्शन को दर्शाया है। आज का ये स्थापना दिवस केवल स्थापना दिवस ही नहीं, हम लोगों के लिए एक उत्सव है, एक त्यौहार है, एक पर्व है। चूँकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई थी और आज ये 42वां हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हम लोग सभी गौरवान्वित हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर के, जिस विचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, उसी विचार के ऊपर बढ़ते हुए निरंतर वो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, अभी तो हमारे प्रदेशों के अंदर भी अपनी कार्य प्रणाली को बनाए हुए हैं, बढ़ाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बुलंद किए हुए हैं। अब भविष्य में भी मैं विश्वास करता हूं कि जो संकल्पना लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी, उसी संकल्पना को हम परिपूर्ण करने में बहुत जल्दी वहां तक पहुंचेंगे और संपूर्ण भारत में भगवा फहराने का जो कार्य होगा, एक जो अखंड राष्ट्र की जो संकल्पना है, उस संकल्पना पर हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ। अभी राजीव गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कुछ कहा है वंदा मरमा के लिए, क्या उससे आप नाराज हैं? ये विचार बड़ा अटपटा है। हम भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए मरने वाले, जीने वाले और समर्पित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी निर्देश, चाहे वो किसी की गर्दन कटाने का भी होगा, तो हम अपनी गर्दन तक कटाएंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पसीना गिराने की बात करेगा, हम पदाधिकारी लोग वहाँ पर खून बहाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है वंदना वर्मा जी के लिए, वंदना वर्मा जी को दल बल और पूरी मेहनत के साथ में उनको वोट दिलवाए जाएंगे और उनको निश्चित प्रचंड बहुमत के साथ में उनको MLC बना करके विधान परिषद भेजने का कार्य करेंगे।